नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आपका होस्ट संदीप हाजिर है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक होगी। आज हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको नई दुनिया से परिचित कराएगी। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत बहुत दूर है। ये जगह इतनी अनोखी है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक ब्यूटीफुल पार्क है। क्या आप एक्साइटेड हैं? यह पार्क अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। मुझे तो बहुत है। रेडी हो जाओ, इस यात्रा में हम बहुत कुछ देखने और सीखने वाले हैं। हम अहगर नेशनल पार्क जा रहे हैं। यह पार्क अपने अद्वितीय परिदृश्यों और प्राकृतिक चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यह अल्जीरिया नाम के कंट्री में है। अल्जीरिया अफ्रीका में है। यह देश अपने विविध परिदृश्यों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत सारे सनशाइन वाला एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। अहगर स्पेशल है। यहाँ की धूप और मौसम इसे और भी खास बनाते हैं। इसमें माउंटेन्स, सैंड और सीक्रेट्स हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के पहाड़ और रेतीले इलाके आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अहगर नेशनल पार्क में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ के पहाड़, रेगिस्तान और वन्य जीव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ के वन्य जीव भी बहुत खास हैं। आप यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। यहाँ के बाजार और हस्तशिल्प भी बहुत आकर्षक हैं। आप यहाँ से कई यादगार चीजें खरीद सकते हैं और यहाँ का खाना, यहाँ के स्थानीय व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप यहाँ के खाने का आनंद जरूर लें। अहगर नेशनल पार्क में हाइकिंग का भी मजा लिया जा सकता है। यहाँ की ट्रेल्स बहुत ही रोमांचक हैं और यहाँ का सनसेट, यहाँ का सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे देखना एक अद्भुत अनुभव होगा। रात में कैंप फायर के पास बैठकर तारों को देखना भी एक अनोखा अनुभव होगा। यह यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। चलिए अहगर नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, चलो मैप पर अहगर ढूंढते हैं। ये बड़ा सनी कॉन्टिनेंट दिख रहा है। ये अफ्रीका है। अब नॉर्थ देखो, वे नॉर्थ। यह रहा अल्जीरिया और अल्जीरिया के बिल्कुल बीच में बैम, यह रहा अहगर नेशनल पार्क। ये बहुत बड़ा है। अहगर सहारा डेजर्ट में है। ये अर्थ की हॉटेस्ट प्लेसेस में से एक है। लेकिन चिंता मत करो, हम बहुत सारा पानी साथ लाएंगे। अहगर अपने माउंटेन्स के लिए फेमस है। ये आपके ऑर्डिनरी माउंटेन्स नहीं है। ओह नो, ये माउंटेन्स सुपर ओल्ड है। इन्होंने बहुत कुछ देखा है। माउंटेन्स ऊंचे और रॉकी है। कुछ तो जायंट टीथ जैसे दिखते हैं। क्या आप उन पर चढ़ने का इमेजिन कर सकते हैं? वाओ, अहगर का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। ये सचमुच बहुत बहुत ऊंचा है। अहगर हॉट और ड्राई हो सकता है, लेकिन खुद को मूर्ख मत बनने दो। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। वे टफ हैं। आप एक फेनेक फॉक्स देख सकते हैं। डेंजर सुनने के लिए उनके बड़े बड़े कान होते हैं, या शायद एक जर्बोआ, एक छोटा सा माउस जो कैंगरू की तरह जंप करता है। यहाँ स्नेक्स, लिजर्ड्स और चीटास भी हैं। वाओ, वो देखो, मुझे एक चीटा दिख रहा है। ये बहुत फास्ट है। सेक्शन 5, अहगर प्लांट्स, टफ कुकीज। यहाँ तक कि डेजर्ट में भी प्लांट्स ग्रो करने का तरीका खोज लेते हैं। इमेजिन द स्कॉर्चिंग हीट, द रिलेंटलेस सन एंड द ड्राई एरिड कंडीशंस। येट These plants have adapted in the most fascinating ways to not just survive but thrive in such an environment. Ahaga may special plants hai. These plants have evolved over centuries, developing unique characteristics that allow them to withstand the extreme conditions of the desert. They are truly nature's marvels. We bahut kam pani mein survive kar sakte hain. This is because they have developed mechanisms to store water and reduce water loss. For instance, some plants have thick, waxy leaves that minimize evaporation. आपको बहुत सारे acacia trees दिखाई देंगे। These trees are not just surviving, they are flourishing. Their deep root systems allow them to tap into underground water sources that are inaccessible to other plants. Hungry animals से खुद को protect करने के लिए उनके thorns होते हैं। These thorns are not just for protection, they also help in reducing water loss by providing shade to the plant's surface. और हाँ, यहाँ cacti भी हैं। Cacti are perhaps the most iconic desert plants. Their ability to store water in their stems allows them to survive long periods of drought.
वी अपने स्टेम्स के अंदर पानी स्टोर करते हैं. क्लेवर राइट. दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स, इंश्योरिंग द प्लांट्स सर्वाइवल. एडिशनली देयर स्पाइंस प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस एयर फ्लो, फर्दर मिनिमाइजिंग वाटर लॉस. हार्शेस्ट प्लेसेस में भी लाइफ अपना रास्ता खोज ही लेती है. The resilience of these plants is a testament to the incredible adaptability of life. Despite the harsh conditions, they continue to grow, bloom, and contribute to the desert ecosystem. They provide food and shelter to various desert animals, playing a crucial role in maintaining the balance of this unique environment. So, next time you think of a desert as a barren wasteland, remember the tough cookies of Ahaggar National Park. सेक्शन 6. फन फैक्ट्स अबाउट अहागर. कुछ अमेजिंग अहागर फैक्ट्स के लिए तैयार हैं. सुनो, लोग हजारों सालों से अहागर में रहते आए हैं. उन्होंने रॉक पेंटिंग्स छोड़ी हैं. ये पेंटिंग्स पास्ट के बारे में स्टोरीज बताती हैं. अहागर एक स्पेशल काइंड की शीप का होम है, जिसे बार्बरी शीप कहा जाता है. उनके लंबे फ्लोइंग मेन्स होते हैं. अहागर में रातें इनक्रेडिबल होती हैं. आप लाखों स्टार्स देख सकते हैं. वाओ, अहागर सरप्राइजेस से भरा है. सेक्शन 7. व्हाई अहागर इज सुपर स्पेशल. अहागर नेशनल पार्क सिर्फ एक प्रिटी प्लेस से कहीं अधिक है. यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसका मतलब है कि यह पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है. हमें अहागर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. यह यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स का होम है, और यह हमें पास्ट के बारे में सिखाता है. आइए अहागर से सीखें और इसकी केयर करने का प्रॉमिस करें. सेक्शन 8. अहागर अ मस्ट सी. क्या आप एक एडवेंचर के लिए तैयार हैं? तो अहागर नेशनल पार्क को अपनी ट्रैवल लिस्ट में डालें. माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने, हिडन कैनियंस को डिस्कवर करने और स्टार्स के नीचे कैंपिंग करने का इमेजिन करें. बस अपनी हैट, सनस्क्रीन और एडवेंचर की फीलिंग लाना न भूलें. सेक्शन 9. प्रोटेक्टिंग अहागर फॉर द फ्यूचर. अहागर नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, is a place of breathtaking beauty and immense ecological importance. This vast expanse of rugged mountains, sweeping sand dunes, and unique flora and fauna is a testament to the resilience of nature. अहागर को challenges का सामना करना पड़ता है, जैसे कई wild places को. The park faces numerous challenges that threaten its delicate ecosystem. From illegal poaching to unregulated tourism, the pressures on अहागर are immense. The encroachment of human activities has led to habitat destruction and a decline in wildlife populations. जैसे कई wild places को, अहागर की untouched wilderness, जो कभी thriving ecosystem थी, अब खतरे में है. The pristine landscapes that once flourished with life are now struggling to survive. The balance of nature is delicate, and even small disruptions can have far-reaching consequences. Climate change desert को और अधिक hotter और drier बना रहा है. लेकिन उम्मीद है. Climate change is exacerbating these challenges, making the desert even hotter and drier. The rising temperatures and changing weather patterns are altering the natural habitat, making it difficult for many species to adapt. However, there is hope on the horizon. Log ahagar ko protect karne ke liye kadi mehnat kar rahe hain. Conservationists, local communities, and international organizations are coming together to protect ahagar. They are implementing innovative strategies to mitigate the impacts of climate change and human activities. Their efforts are crucial in preserving this unique ecosystem for future generations. We trees laga rahe hain aur dusron ko conservation ke bare mein sikha rahe hain. Tree planting initiatives are being carried out to restore degraded areas and provide habitats for wildlife. Educational programs are also being conducted to raise awareness about the importance of conservation. These efforts are not just about saving trees. They are about preserving the entire ecosystem. हम सभी अहागर के बारे में जानकर और इसके प्रोटेक्शन का सपोर्ट करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं. Every little bit helps. We all have a role to play in protecting the planet. By learning about the park and supporting conservation efforts, we can make a difference. Every single action counts, whether it's spreading the word, donating to preserve the environment, or even visiting the park responsibly. Together, we can ensure that Ahagar remains a sanctuary for wildlife and a source of inspiration for generations to come.
सेक्शन 10, संदीप सेज गुडबाय। तो दोस्तों, अहागर में हमारा एडवेंचर समाप्त हुआ, लेकिन यादें जिंदगी भर रहेंगी। नेचर की सुंदरता की अप्रिशिएट करें और अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।